हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी वारिस। सो गाइस, आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है, तो गाइस आप सबको रमज़ान मुबारक। और गाइस मुझे पता है बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग आया है। सो गाइस, आज मैं ऑफिस से घर आ गया था फटाफट, और अभी जाके मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। सो गाइस, अभी दोलका में एक जगह है मेरा बिंडा, रमज़ान की रौनक की वजह से गाइस पूरा माहौल अच्छा जम जाता है। गाइस आड़े दिन कुछ भी नहीं होता, लेकिन रमज़ान की बरकत और रहमतों के वजह से वहाँ पे सब लोग अपनी लारी वगैरह शॉप्स वगैरह सब लगा देते हैं, तो गाइस पूरा ये मेले जैसा हो जाता है कि मेले में सब जगह पे कैसे सब सारी चीज़ें मिलती रहती, तो वैसी चीज़ें है गाइस। सो अभी मैं और सिद्धार्थ भाई जाने वाले हैं थोड़ी चीज़ें खरीदने के लिए। तो गाइस वहाँ पर सिर्फ फ्रूट्स है, चिकन्स वगैरह के आइटम्स है वगैरह वगैरह, यानी सब फूड का ही होता है। और गाइस अभी मैं, आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, तो गाइस आप लोगों को पता है कि मेरे घर का काम मैंने करवाया था। तो गाइस अभी ये सारा मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ, और अब क्या बाकी रहा है और कितना काम हुआ है ये सारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गाइस ये है यहाँ का एलिवेशन, आप लोग देख सकते हो। गाइस मैंने पूरे घर में टाइल्स लगवा दी है, यहाँ पे बारी वगैरह भी लगवा दिया है मैंने। गाइस ये ऐसी ऐसी चीज़ें, ये कलर काम ऐसा सब कुछ ही बाकी रहा है। गाइस फ्लोरिंग वगैरह आ गया, ये है यहाँ से। गाइस ये सारा अभी मतलब घर की साफ़ सफाई करी नहीं है, और करवाने की भी नहीं है अभी थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि गाइस ये सारा सब कचरा होने ही वाला है, तो उस हिसाब से कुछ करवाया नहीं है। ये है यहाँ, ये हॉल है, और गाइज ये है अंदर का रूम। सो गाइज ये पूरा भी कवर करवा लिया है हमने, पूरा पूरा टाइल्स तक। गाइज अभी ये कलर काम है, ऐसा सब कुछ बाकी है। तो गाइज और अभी गाइज मैं थोड़ा एक्टिव हूँ, क्योंकि मैं अभी ऑफिस से आया था, तो गाइज तब मुझे थोड़ा रोज़ा लग गया था। सो गाइज अभी मेरे साथ एक सीन हो गया है। गाइज मुझे पता नहीं है कि मैंने मेरे 4000 रुपीज़ मैंने कहाँ पे रख दिए हैं, बिकॉज़ गाइज मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आपके पास है, और मम्मी बोले कि नहीं तूने मुझे तो दिए ही नहीं है। तो गाइज उस हिसाब से मैं सोच में पड़ गया हूँ कि यार मैंने मेरे 4000 रुपीज़ कहाँ पे रख दिए हैं। गाइज मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैंने कहाँ पे रख दिए हैं, तो पता नहीं अब गुम गए हैं या क्या है। गाइज मुझे कोई आइडिया नहीं है, सो पता नहीं अब जो भी हुआ सो हुआ। सो गाइज अभी सीरत भाई थोड़ी देर लेके आने वाले हैं, और वैसे भी अब असर का टाइम हो गया है, नमाज भी मैंने पढ़ ली, तो जैसे ही सीरत भाई आते हैं फिर जाते हैं हम शॉपिंग के लिए। और गाइज मे बी कल मैं रमजान स्पेशल आइटम मैं खुद बनाने वाला हूँ मेरे हाथों से, तो अभी भी शायद उसका कुछ सामान वगैरह लाने का हो, तो उस हिसाब से अभी मैं सामान भी लेने जाने वाला हूँ साथ साथ। और गाइज देखो मैं ऊपर मेरा जो टेरेस है वहाँ पे भी जो चीज़ें करवाने की हो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये है टेरेस बराबर, यहाँ पे भी देखो गाइज आप, यहाँ पे सब कचरा वैसे का वैसा पड़ा है, और ये सब चीज़ें ही बाकी है, दरवाज़ा लगाने का है। और गाइज यहाँ पर दो बड़ी बड़ी टंकियाँ थी, लेकिन मैंने दोनों हटवा के एक बड़ी सी टंकी ले ली है। और गाइज अभी तो बहुत ही ख़राब लग रही है। गाइज अभी मैं ऑफिस से घर आ रहा था, गाइज लिटरली मुझे इतनी ख़तरनाक वाली धूप लग रही थी ना गाइज, मैंने पूरा मेरा हाथ फिर चेहरा कैप वगैरह गाइज मैंने सब कुछ कवर किया था, फिर भी गाइज मुझे बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही थी। गाइज अभी यहाँ पर पब्लिक बहुत ही ज़्यादा कम है, ये मैंने 5x में किया, इसके लिए ऐसा लग रहा है अभी 1x में करूँगा तो आपको लगेगी। गाइज ये है यहाँ का पूरा माहौल। तो गाइज अब धीरे धीरे यहाँ पे पब्लिक बढ़ती जा रही है, देख सकते हो आप।
अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक हो चुकी है कि हम रास्ते पे चल रहे हैं और सब हॉर्न मार रहे हैं, लेकिन हम हट ही नहीं रहेगा। इतनी ज़्यादा पब्लिक हो चुकी है अभी, अभी थोड़ी देर में रहती है, फिर थोड़ी देर में निकल जाती है। जो भी आते हैं सब ले लेगा, फटाफट निकलने वाली ही कर देगा इस। तो गाइज आप लोग देख सकते हो वहाँ से शुरू हो के गाइज वहाँ तक ख़त्म हो रहा है ये पूरा, और यहाँ पे भी है गाइज पूरा। गाइज मैं इफ्तारी के लिए सारी चीज़ें अब लेके अब निकल रहा हूँ घर की, और सोचो लो गाइज सीधा मिलते हैं घर पर। अभी मैं आया हूँ खाला के घर पे खाला को कुछ देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। खैरियत? रमजान मुबारक। मुबारक। तो गाइज मैं सिद्धत भाई से भी नहीं मिला था। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? तो गाइज सिद्धत भाई अभी फुल आराम में है। क्यों अभी है झूठ मूठ क्यों बोला आपने? मैं घर पे नहीं था भाई, अभी जस्ट आया। घर पे नहीं था, घर पे नहीं था। ए खाला क्या बनाया मेरे लिए? ओ मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? इन्नल्लाही व इन्नल्लाही राजीव। इन्नल्लाही। तो गाइस खाला को कुछ खाने के लिए खाने का मैं देने आया था। गाइस अभी खाला ने मेरे लिए बनाया है ये रगड़ा, तो भी घर जाके टूसेगा, दो हाथों से खाएगा ये इफ्तारी के बाद। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बोलना बोलना। तो गाइस सिद्धार्थ भाई कुछ लेने का सोच रहे हैं। सिद्धार्थ भाई कौन सी सीरीज लेने का सोच रहे हैं आप? पहले मैं लूंगा, बता नहीं पाऊंगा अभी, नहीं बताऊंगा फिलहाल, क्योंकि सीक्रेट। हाँ सीक्रेट है। तो गाइस मैं आपको भी मेरे बाल अगले व्लॉग में बताऊंगा कि मैं क्या लेने वाला हूँ और क्या नहीं करने। आप मेरे व्लॉग में लास्ट टाइम कब आए थे पता है? अब मेरे लास्ट व्लॉग में अपने उमरा करने गए थे ना, अपने उमरा करने गए थे, तब अपने मैकडॉनल्ड्स में गए, अपने मैकडॉनल्ड्स में गए ले मस्ती करी थी। बस गाइज वो टाइम पे सिद्धार्थ भाई मेरे ब्लॉग में आए थे, उसके बाद सिद्धार्थ भाई गायब भी हो गए, और उसके बाद से वापस आए फिर अपने बहुत बिजी हो गए। नहीं गाइज यहाँ देखो, मैं जब फोन और कुछ भी लेने जाऊँगा ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के वारिस भाई के ब्लॉग में बताऊंगा कि कौन सी चीज हम दोनों साथ में जाएंगे ठीक है। अच्छा, और हम क्या क्या करेंगे इंशाल्लाह आगे देखिएगा। और अब से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम ब्लॉग में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट करेंगे। वारिस भाई का ज्यादातर उनका बावला ऑफिस है, तो सुबह में चले जाते हैं, तो हम इतना मतलब बहुत मिल कम, नहीं पाते हाँ, मिल नहीं पाते, बहुत कम टाइम मिलता है। और मैं अभी इंशाल्लाह व्लॉग चालू करूंगा, देखते हमारे एडिटिंग वाले मिली गए हैं ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके प्यार और आपका सपोर्ट से हम भी व्लॉग चालू कर रहे हैं ठीक है। तो आप सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और गाइस दूसरी बात ये कि अभी रमजान का दूसरा रोजा हो चुका है, फिर भी मैं सिद्धार्थ भाई को मिलने नहीं आया था, खाला को भी मिलने नहीं आया था, बिकॉज गाइस लॉर्ड ही इतना है काम का, मैं जल्दी ऑफिस से घर आ जाता हूँ। फिर भी गाइस आज क्या हुआ पता है भाई? सुन क्या हुआ, आज मैं बाहर था और मैंने वारिस भाई को फोन किया कि मुझे कुछ चीज जैसी लानी है जो इफ्तारी में मेरे को जो खाने के लिए कुछ कोई भी चीज ठीक है। तो आज पहली बार वारिस भाई ने मेरे को सामने से कॉल करके ये बोला कि मैं मुझे तो नहीं लाना ठीक है, पर आपके लिए मैं ले आता हूँ। तो मेरे को मैं वही थोड़ा सोचना पड़ा कि भाई मेरे लिए, क्योंकि 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 मैं ऑलरेडी मेरे जो नेबर्स है लगा कि कहीं इसको कहीं किसी को देखना जाना हो गया ए भाई रमजान में अल्लाह तौबा कर। मैं वहाँ सोच में पड़ गया था कि भाई ये क्या नहीं, क्या नहीं, मसला नहीं, क्या नहीं, है सामने से बंदा बोल रहा है कि मैं नहीं जा रहा, वरना ये इतना लेजी है ना गाइस, इतना लेजी है ना कि ये मेरा काम नहीं करता, ऊपर से ये बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तेरे पास टाइम नहीं है, तू नहीं है। ऐसा सब बोलता है। तो आज पहली बार उसने तो मैं थोड़ा शौक हो गया, कोई नहीं इसके लिए भी वारिस भाई के लिए भी थोड़ा एक गिफ्ट जरूर होगी जब मैं कुछ लेने जाऊंगा। नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं था, मेरे जो नेबर्स थे, लाइट चालू करना, लाइटिंग नहीं आ रही प्रॉपर, मैं ये बोल गाइस मेरे नेबर्स जो है उनके साथ मैं कल से मैं जा रहा था, मतलब यही सब शॉपिंग करने के लिए। तो गाइस उन्होंने मुझे बोला कि वारिस भाई अगर आपके जाना है
तो चलो अपने जाते। इसके लिए मैंने उस रीज़न की वजह से मैंने सैयद भाई को मैंने कॉल किया, मैंने कहा चलो सैयद भाई चलते हैं और आपके आना है तो नो प्रॉब्लम, और नहीं भी आना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं नेबर्स के साथ जा रहा हूँ तो उस हिसाब से मैंने इसके लिए कॉल किया था। सो चलो गाइज अब मैं जा रहा हूँ घर पर, खाला ने मेरे लिए मस्त रगड़ा तैयार कर दिया है। सो ये रहा रगड़ा गाइज, अभी मैं जाऊँगा घर जाके इफ्तारी के टाइम पर खाऊँगा। सो चलो सैयद भाई अल्लाह हाफिज़, खाला अल्लाह हाफिज़, निकलता हूँ मैं। भजिए भी आपने बनाए तो गाइस कांटेक्ट करो आप मेरे खाला को, भजिए भजिए के लिए, भजिए और रगड़े के लिए। मेरा खाला ने घर पे ही दुकान खोलने वाले हैं थोड़े टाइम पे, जब भेज देती है ये तो हाँ ये कर लो पहले जब भेज दिया भाई काम गया। ए सुनना अभी मैं ऐसा 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 ना हो कि मैं अभी घर जाऊँ और खाला तुझे डंडे से लेके पीटम पीट पीटम पीट पीटम पीट करे, ध्यान रखना। तो चलो गाइज अब जाते हैं घर पर। सो चलो सीधा घर पे ही मिलते हैं गाइज। गाइज अभी रोजा खोलने का वक्त हो चुका है, 6:51 या 6:50 हो गए। आया खाला, आया 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 आया। तो गाइज अभी वैसे भी टाइम हो चुका है और ये सारी चीजें मैं लेके जा रहा हूँ। लाओ 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 फटाफट, ओके 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 ओके। सो गाइज ये सारी चीजें लेके मैं घर जा रहा हूँ और गाइज चलो अभी इफ्तारी खोलने के बाद ही मैं आपसे मिलता हूँ। सो चलो गाइज बाय बाय, ढुल ना जाए पापा। The next day. अभी मैं ऑफिस के कुछ काम से बगोदरा गया था गाइज, रोजा रखकर। गाइज अच्छा है कि मैं बहुत जल्दी आ गया क्योंकि अभी 1 ही बज रहा है और आते आते भी गाइज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वैसे भी गर्मी तो नहीं लेकिन धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी। सो गाइज चलो इसी के साथ में अब मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। खुश रहो, सेफ रहो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।